एक नवंबर को दरभंगा राज परिसर अवस्थित कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर मेला का आयोजन किया गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी एवं अस्पताल के अधीक्षक दिनेश्वर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इस मेले का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं शहरवासी उपस्थित थे। अस्पताल के अधीक्षक प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने इस अस्पताल के बारे में लोगों को इतिहास इसका क्या है इसके बारे में जानकारी दी। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा के लिए खुशी की बात है इस प्रकार से मेले का आयोजन हुआ है और लोगों को जड़ी बूटी की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे उनका ही नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इस अस्पताल के खुलने से मिथिलांचल के लोगों में काफ़ी खुशी है। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसका और विकास हो। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हमारे माननीय यहाँ जो है विधायक संजय सरावगी जी हैं, उनका भी आप देखते होंगे कि जो है दरभंगा के लिए जो विधानसभा में हंगामा करते हैं, शायद ये भी आप लोगों से छिपा नहीं हुआ। हमारे अर्जुन साहनी के आने वाले थे, वो अधिग्रहण लगते ही इस पर कुछ काला छाया लगा, जो राजनीति का शिकार हुआ ये बंद हो गया। तुम चार चार करो और निश्चित रूप से दरभंगा महाराज के बहुत कुछ थे। मैं दरभंगा में जग रहा, उम्मीद नहीं कर सके। यदि देश के अंदर में दूटा विश्वविद्यालय करते हुए कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय, दूटा विश्वविद्यालय वो एक कैंपस में दरभंगे में, और वो दरभंगा महाराज के देव आए। ऐसी संस्था में ये 10 एकड़ जमीन है, हम अभी निरीक्षण के क्रम में कहने रहे, जतेक लोग अतिक्रमण करे थे उनका नोटिस हो और वो खाली करें, और जो किस महीना सर्वे ऑफिस वगैरह है जिला प्रशासन निश्चित रूप से उसे खाली करके और चिकित्सा महाविद्यालय के देना चाहिए। क्योंकि हम कहो हम डॉक्टर पत्राचार होना चाहिए, और 22 एकड़ के जमीन हमारा वही कॉलेज में, ये कॉलेज में है 40 का बच्चा के एडमिशन शुरू होने के बाद सेशन किस विलम्ब मिले हैं। माननीय सरकार के माननीय मंत्री साहब 3 से 4 घंटा मोहनपुर कॉलेज पर एक एक का गंदगी में जाकर सब ऊपर नीचा रूम खोलकर हम देखो। अरे भाई, दरभंगा महाराज के देश एक बड़ा संस्था ये कहीं चालू के स्थिति में था और 17 साल से बंद पड़ल है। तो बेमानी से दरभंगा और मिथिला का केंद्र दरभंगा के संगे, और परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एक बार बहुत जोर ये आए हमारा सबके जहिया मंथन करे प्रिंसिपल साहब ये धनवंतरी कार्यक्रम के दिन थे, जाए पर प्रधानमंत्री पूरे देश में कार्यक्रम कराए कि भाई आयुर्वेदिक जतेक संस्थान हमर है ते सब अस्पताल पर आए थी कार्यक्रम आए और का 2 दिन के कार्यक्रम भ रहा है और बहुत जोरदार से भ रहा है उत्सव टाइप के कार्यक्रम के राखल गए हैं। और एहिठाम का आयल रही सुमन प्रशासन में माननीय विधायक जी छे, तो वही दिन ई कहलन कि 1 तारीख के रही जाना चाहिए। हम कहलिए भाई रहना ही रहना चाहिए, तो हम माननीय प्रधानमंत्री एतेक बड़ा निर्णय कले हा और पूरे देश में जागरूकता आबि रहा है, तो एक कार्यक्रम में नहीं रही तो बेमानी हेतु। एक कार्यक्रम में हम निश्चित रूप से रुकल रही जाना तो हमारा छल हम दिल्ली काल्हि हमारा बैठको है, लेकिन एक कार्यक्रम का हम इंतजार करे छोड़ो। देखो हम कहलेंगे पद्धति के माध्यम से चिकित्सा कार्य को भी पूर्ण में जाना जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो पूर्व में शासन में रहे लोग उन्होंने अपने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लगभग विलुप्त प्राय कर दिया। और हमारे आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान जो दरभंगा महाराज परिवार ने 20 एकड़ जमीन आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के लिए दी,
वह भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो आए और इस पूरे विश्व पूरे देश में कैसे हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने जो है बजट की दुना चार गुना आयुष विभाग का इस देश में किया और उसका सीधा सीधा प्रभाव यह दरभंगा का जो चिकित्सा विज्ञान संस्था है इसको भी देखने को मिलता है। और अगर कोई अगर पदाधिकारी को एक व्यक्ति अगर किसी संस्थान में अच्छा आ जाता है तो कैसे उस संस्थान का बदलाव होता है वो सीधे सीधे उदाहरण यहाँ के प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद जी को मैं देखा। मैं 16-17 साल से यहाँ का विधायक हूँ, कई बार इस कैंपस में आया हूँ, कई बार यहाँ के कुल के जो प्राचार्य रहे हैं उनको भी मैंने कहा है आपको जो हमसे मदद चाहिए हम लोग मदद करेंगे। कई बार मैंने विधानसभा में भी इस आयुर्वेद संस्थान को जो विलुप्त प्राय हो गया था इसका नामांकन फिर से प्रारंभ हो, इसमें फिर से भवन का निर्माण हो या फिर से चिकित्सीय उत्तम व्यवस्था हो उसके लिए उठाया और आज लगभग 172 करोड़ का DPR इस संस्थान को मजबूत करने के लिए, इसका कॉलेज बनाने के लिए, इसके चिकित्सीय भवन के लिए, चिकित्सकों के रहने के लिए 172 करोड़ का DPR बना है और आने वाले समय में वो राशि भी स्वीकृत होगी। जब 20 एकड़ का जो संस्थान है जो लगभग विलुप्त प्राय हो गया था वो फिर से देश बिहार में नंबर 1 और देश में भी संस्थाओं में इसका भी नाम होने वाला है।